हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनूज किचन आर्ट्स एंड ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए हेल्दी और फ्रेश रेसिपी लाई हूँ वह बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। मगर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वह काफ़ी फाइबर से भरपूर होती है और फ्रेंड्स, इससे पाचन क्रिया हमारा दुरुस्त रहता है। अब इसकी जो तासीर होती है, इसके अंदर जो एक लौकी है वह उसकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मी में इसे खाना बहुत ही सेहतमंद माना जाता है। तो फ्रेंड्स, और इसे हम चावल, चपाती और पराठे के साथ खा सकते हैं और घी और नींबू ऊपर से निचोड़ के डालें तो वाह क्या बात हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए चना दाल लौकी की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। आधा घंटा पहले फ्रेंड्स, मैंने इसको एक कटोरी जितनी दाल लेके इसको अच्छे से धो के भिगो दिया था और ये एक मीडियम साइज की लौकी है जिसे मैंने बारीक नहीं मतलब मीडियम साइज के ही इसके टुकड़े करके काट के रख दिए थे और धो के इसे इन दोनों को अब मैंने कुकर में डाल दिया है ताकि ये बॉईल हो जाए और इन दोनों को बॉईल होने के लिए रख देंगे और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। इसमें हिसाब से पानी डालें जितनी दाल हमारी भीग जाए और तीन सीटी के आने के बाद इसको 5 मिनट के लिए इसको स्लो गैस पे रख दें। फ्रेंड्स, जब तक हमारी दाल हमारी पक रही है तब तक हम एक कढ़ाई में घी या ऑयल ले लेंगे जिसमें हम डाल देंगे राई और जीरा। और यहाँ मैंने कुछ करी लीव्स लिए हैं जो कि स्टोर किए हुए हैं, इनको मैंने कट कर लिया है क्योंकि करी लीव्स भी बहुत ही सेहतमंद होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। आप इसे छोटा बारीक मोटा कैसा भी काट सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज जो है हो गई है और इसको एक बार और चलाते हुए अब हम इसमें हमारे डाल देंगे 2 बड़े कटे हुए टमाटर। आप अपने टमाटर कैसे भी काट सकते हैं और 3-4 हरी मिर्च। यदि हरी मिर्च आप नहीं खाते हो तो ना डालें, ये तीखी मिर्ची नहीं है। और इस वक्त आप इसमें अदरक डालना चाहें तो अदरक के 1 इंच का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, कैसे भी बारीक या कैसा भी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़े से हमारे टमाटर जो है गल से गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे घर के कुछ मसाले। फ्रेंड्स, यहाँ पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी क्योंकि हल्दी मैंने बॉईल करते वक्त नहीं डाली थी। यदि आप बॉईल करते वक्त डालते हैं तो इस वक्त ना डालें। अब यहाँ मैंने डाल दिया है लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग। और फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि हमारे ये जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ अभी मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है। अच्छे से इन मसालों को हम पका लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये देख लेते हैं कि हमारी दाल कितनी पक गई है और उबली है भी या नहीं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट हमारी दाल जो है गल गई है और हम लोगों का मसाला भी जो है यहाँ पे अच्छे से पक गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस दाल को इस हमारे मसाले के मिश्रण में मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, बहुत ही फायदेमंद होता है, इसमें जो लौकी है उसकी तासीर ठंडी होती है तो गर्मी में आप इसे जरूर खाएं और बहुत ही हेल्दी भी होती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और यदि फ्रेंड्स आपको इसमें पानी यदि ज़्यादा चाहिए तो और ले सकते हैं। मैं भी अभी इसमें और थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि अभी ये इस वक्त बहुत ही गाढ़ी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी जो है उसी कुकर्स में जो बची हुई दाल थी उसी के साथ ही मैंने उसमें पानी डाल के इसमें और डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके बॉईल होने तक उबाल लेंगे। अगर आपको इसमें पानी और चाहिए तो आप और डाल सकते हैं, ऐसे ही रखना चाहे तो आप ऐसे भी रखना चाहते हैं सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इसको तुरंत खाने हैं तो गाढ़ी ही रहेगी, इसी तरह रहेगी, और यदि आप कुछ समय बाद खाने वाले हो, 1-1.5 घंटे बाद, तो ये गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से रखें। तो फ्रेंड्स, हमारी ये दाल जो है वो बन के रेडी हो गई है, और अब मैंने इसको सर्व कर दिया है अच्छी तरह से, एक चम्मच घी डाल के और ऊपर से नींबू डाल दिया है फ्रेंड्स, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी हो गई है फ्रेंड्स। आप लोग भी इस तरीके से एक बार बना कर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी, और ये हेल्दी भी बहुत रहती है। तो यदि आपने अब तक ऐसी रेसिपी नहीं बनाई हो तो प्लीज़ जल्दी से बनाइए और अपने घर रिश्तेदार सबको खिलाइए। और फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये चना दाल लौकी की रेसिपी कैसी लगी। इसे सर्व करिए बिल्कुल नींबू के साथ और घी के साथ, और यदि धनिया पत्ते की कुछ पत्तियां हो तो उसे भी आप डाल के इसे सर्व करिए। तो फ्रेंड्स, ये तो रेडी हो गई है और मैं तो इसका मज़ा ले ही ली, अब आप भी इसका मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अब नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ख्याल रखिए और खाइए खिलाइए। फिर हम मिलते हैं एक अगली और नेक्स्ट वीडियो की, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।